So guys, welcome back to the another episode of Minecraft Survival Series. Wait. ये तो Minecraft का survival series का episode नहीं है. So guys, आज के इस video में मैं खेलने जा रहा हूँ एक Minecraft का ऐसा mode जिसका नाम है Minecraft But Dirt is Extremely OP. इस episode में होगा ये कि जब भी मैं dirt तोड़ूंगा मुझे ओपी लूट्स मिलेगी, ओपी आइटम्स मिलेंगे, आर्मर ये वो सभी चीज़ मेरे को बहुत खतरनाक एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें मिलेगी मुझे, जिसमें इंचेंटमेंट बहुत ज़्यादा लगी हुई होगी, डायमंड के टूल्स मिलेंगे डर्ट को सिर्फ तोड़ने से ही. आप सोच के देखो, सिर्फ डर्ट तोड़ने से मुझे डायमंड और नेदरराइट के टूल्स, नेदरराइट के ब्लॉक सब कुछ मिल सकता है इस वाले मॉड के अंदर. तो ये जो है माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नहीं है, ये एक मॉड गेम प्ले है. अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा. इसमें मैं जो है मॉड्स को डाल के खेलूंगा, जैसे कि इस मॉड का नाम है माइनक्राफ्ट बट डर्ट इज एक्सट्रीमली ओपी. तो इसी तरह मैं जो है मॉड्स डाल के खेलना शुरू करूंगा. अगर आपके कमेंट्स आए तो मैं मॉड्स भी डाल के खेलूंगा अपने माइनक्राफ्ट के अंदर. आपको पसंद आ रहा है तो नहीं तो नहीं खेलेंगे. और माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज का जो एपिसोड है भी आएगा. और गाइज, आपने एक बात नोटिस की, माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल का एपिसोड बहुत टाइम से नहीं आया है मेरा. उसका बहुत बड़ा मेन रीजन ये है कि मेरे पास जो है एपिसोड के लिए कोई आइडिया ही नहीं है. आप लोग मुझे कमेंट में बताते ही नहीं हो कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या करना चाहिए. आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट एपिसोड में, और जल्दी से जल्दी मैं ताकि वीडियो ला पाऊँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड का. सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने गेम के अंदर. तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर. यहाँ पर देखिए, डर्ट इज एक्सट्रीमली ओपी वाला वर्ल्ड मेरा बना हुआ है. इसको ओपन कर लेता हूँ. गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वर्ल्ड जो है लोड हो रहा है. यहाँ पर देखेंगे स्प्रूस बायोम में यहाँ पर स्पॉन कर दिया गया है. तो मैं आपको बताऊँ इस मोड में क्या होगा. तो यहाँ पर ग्रास ब्लॉक को तोड़ूंगा, कुछ नहीं होगा. अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने तो कहा था कि डर्ट को तोड़ूंगा तो मुझे ओपी लूट्स मिलेंगी. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है ग्रास ब्लॉक है, डर्ट ब्लॉक ये है. जब मैं इसको तोड़ूंगा मुझे इसके अंदर से ओपी लूट्स मिलेंगे. तो यहाँ पर डर्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ और इसको तोड़ के देखते हैं. सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो अभी अभी शुरू ही हुआ है और यहाँ पर मुझे जो है नेदरराइट के आर्मर्स मिल चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे विदर स्कल्स भी मिल चुका है. आर यू किडिंग मी? यहाँ पर आप देख सकते हैं विदर स्केलेटन स्कल मिल चुका है, वो भी 25, एक दो नहीं 25 विदर स्कल्स मुझे मिल चुके हैं. और यहाँ पर विदर के रोज भी मिले हैं. इसको साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं. और साथ में एमरल्ड भी पड़े हुए हैं इसके अंदर. और इसके अंदर इंचेंटमेंट देखे तो प्रोजेक्टाइल प्रोडक्शन लगे हुआ है, इसमें थॉर्न्स, इसमें प्रोडक्शन. तो इसको पहन लेते हैं और इसको पहन लेते हैं और बाकी ये दो को फेंक देंगे. पहले जो है यहाँ पर थोड़ा सा और सामान इकट्ठा कर लिया जाए, उसके बाद हम जो है फेंकेंगे इसे. तो यहाँ पर इसको भी तोड़ लेंगे. सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे सीधा एंड पोर्टल ही मिल चुका है. सो गाइस, मैंने आपको इस वीडियो का गोल नहीं बताया है, ये जो भी मॉड्स के गेम प्ले होते हैं उसके अंदर हमें जो है इस मॉड्स की मदद से हमें एंड में एंडर ड्रैगन को जाके मारना होता है, एंडर ड्रैगन को डिफीट करना होता है. तो आज के इस एपिसोड में जो है मैं एंड में जाऊँगा, एंडर ड्रैगन को मारूंगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एंड पोर्टल भी बन चुका है, मुझे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं यहाँ का यहाँ ही बना के डायरेक्टली जा सकता हूँ एंड के अंदर. यहाँ पर देख सकते हैं मुझे एफिशिएंसी 5 वाली एक ये मिली है एक्स. तो यहाँ पर एंड पोर्टल बहुत ज़्यादा ही मिल चुका है मुझे गाइस. यहाँ पर ये टर्टल के बहुत सारे शेल्स मिल चुके हैं, जिसके अंदर अनब्रेकिंग की इंचेंटमेंट लगी हुई है. और साथ में एंड क्रिस्टल भी मिल चुका है यहाँ पर मुझे. यहाँ पर ये तो पहले वाली लूट है, इसको यहाँ पर रख लेंगे. उसके बाद यहाँ पर फिर से डर्ट तोड़ेंगे. अब तोड़ के देखते हैं गाइस. यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे और भी बहुत सारी लूट्स मिल चुकी है इधर में. गाइस, आर यू किडिंग मी? यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे मिला है अनब्रेकिंग इंचेंटमेंट लेवल 255 सॉरी. यहाँ पर मुझे अनब्रेकिंग इंचेंटमेंट लेवल 255 वाली जो है नेदर डायमंड की हो मिल चुकी है, जिसमें एफिशिएंसी भी 255 वाली लगी हुई है, मेंडिंग भी 255, फॉर्च्यून भी 255. गाइस, ये क्या ही एक्सट्रीमली ओपी मॉड है. तो यहाँ पर मुझे 25 नेदर स्टार भी मिल चुके हैं और डायमंड भी मिल चुका है, और साथ में इलाइट्रा. गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं अभी वीडियो शुरू हुआ है और मुझे इलाइट्रा भी मिल चुका है. एंड में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तो यहाँ पर ये बूट भी पहन लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जो है आर्मर अभी पूरा कंप्लीट नहीं है. तो इसके डायमंड को भी रख लेंगे. और ये ड्रैगन ब्रीथ भी मिल चुका है गाइस. इस सभी चीज़ों को अंदर रख लेते हैं. और ये क्या नाइट भी हो रही है, बहुत फास्ट नाइट हो रही है यहाँ पर. तो जल्दी से
उसको कलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो मुझे ज़ॉम्बीज आकर मारना स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से इधर मैं सभी डर्ट को तोड़ते जाता हूँ मैं, ताकि मुझे टूल्स मिलते जाए। और यहाँ पर देखिए चैलेंज, ये एडवांसमेंट मिल चुका है मुझे कवर मी इन डेब्रीज वाला। अगर आपको पता होगा तो मैं बता दूँ, ये चैलेंज जब ये एडवांसमेंट तब मिलता है जब हम हमारे आर्मर को पूरा नेदरराइट से कवर कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें भी कुछ खास इंसेंटमेंट नहीं है, बट यहाँ पर नेदरराइट का ये मिला है पूरा, तो ये लगा लेते हैं। बाकी के ये दोनों को भी फेंक देते हैं, और नेदर स्टार भी फिलहाल कोई काम का नहीं है, एंड पोर्टल भी फेंक लेंगे, इसको भी इसको भी इसको भी। और गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे टोटम ऑफ अनडाइंग भी मिल चुका है, तो इसे ऑफ हैंड में रख लूँगा ताकि मर ना सकूँ। वैसे भी इस मॉड के होते हुए यहाँ पर कोई भी मॉब मुझे नहीं मार सकता, तो फिर भी हम जो है प्रोटेक्शन का ध्यान रखेंगे। और गाइज यहाँ पर शवल भी मिल चुके हैं, जिसके अंदर एक्सट्रीम लेवल के यहाँ पर जो है इंचाइनमेंट लगे हुए हैं। और बो में तो देखिए गाइज कितनी सारी इंचाइनमेंट लगी हुई है, यहाँ पर पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग चकरा जा रहा है यहाँ पर इस मॉड को देख के। तो जल्दी से जो काम की चीज़ें हैं उनको ही रख लेता हूँ, बाकी सबको फेंक देंगे। सो गाइज आप यहाँ पर मेरी इन्वेंट्री में देख सकते हैं मैंने जो इतना सामान रखा है, बाकी सबको यहाँ पर फेंक दिया है मैंने। और रात हो रही है तो थोड़ा सा बेड का इंतज़ाम करना पड़ेगा, यहाँ पर अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर छोड़ो इसे जाने देते हैं जल्दी से, यहाँ पर और थोड़ा तोड़ के देखेंगे क्या क्या मिलता है मुझे अंदर। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आइटम्स मिल रहे हैं गाइज मुझे। यहाँ पर किसी ने मुझे मारा है यहाँ से पीछे से, ओ तू आया है। तो यहाँ पर ये मेरी बो में बहुत ख़तरनाक वाले इंचेंटमेंट लगे हैं, तो इससे मार के देखते हैं क्या होगा इस जॉम्बी का। गाइस ये जॉम्बी तो गायब ही हो गया, और इसके अंदर से देखिए मुझे कितने सारे इसके रॉटेन फ्लैश मिले हैं। तो इस थोड़ा साइड में चलकर इसके पूरे इंचेंटमेंट देख लेते हैं क्या क्या लगा हुआ है इसके अंदर। पंच लगा हुआ है, पावर, इन्फिनिटी, क्विक चार्ज, फ्लेम, स्वीपिंग, नॉकबैक, फायर एस्पेक्ट, सब लूटिंग, ये सब लगा हुआ है इसके अंदर। जो जो शॉर्ट्स के अंदर चाहिए होते हैं उसके अंदर के सभी आइटम्स इसमें लगे हुए हैं, सभी इंचेंटमेंट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी आएगा तो अब बचेगा नहीं मेरे हाथों से नहीं, सॉरी, इस बो से। अभी फ़िलहाल के लिए जो शॉर्ट है मेरे पास इसके अंदर उतनी अच्छी इंचेंटमेंट नहीं है, तो इसका ही यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर भी बहुत सारे आइटम्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक और शॉर्ट है जिसमें सिर्फ फायर एक्सपेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं क्या क्या आइटम से लिया जाए। सो गाइज अभी मैंने मेरी इन्वेंट्री में नोटिस किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल चुके हैं, वो भी 50। यहाँ पर 50 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिले हैं मुझे यहाँ पर। रेयरली चांस होते हैं एक दो मिलने के इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, और यहाँ पर मुझे 50 मिल चुके हैं यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वेस्ट आइटम को मैं फेंक लेता हूँ, यहाँ पर ये फ्लिंट एंड स्टील को भी रख लेंगे, काम आ जाएगा ये सामान को जलाने के लिए। तो ये इसको शॉर्ट की भी ये कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार सी शॉर्ट है। ये फ्लिंट एंड स्टील को भी रख लेंगे, एक ही फ्लिंट एंड स्टील काफ़ी है, बाकी को फेंक लेंगे। और यहाँ पर गाइज आपने लोगों ने नोटिस की, यहाँ पर मैं जो है ब्लॉक्स को रख रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं नॉर्मल डर्ट ब्लॉक, स्टोन ब्लॉक यूज़ करते हैं, बट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नेदरराइट के ब्लॉक, आयरन के ब्लॉक यूज़ करूँगा मैं कुछ कहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आर्मर भी एक्सचेंज कर लेते हैं, बेस्ट जो आइटम्स यहाँ पर मिले हैं मुझे उसी को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, बाकी सबको फेंक लेंगे। ये गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या ही चमत्कार हो गया है, इधर जैसे ही मुझे मारने आया है वो स्केलेटन और खुद ही मर गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे पास थॉर्न्स लेवल 255 लगा हुआ है मेरी हेलमेट में, और बाकी तो कुछ भी नहीं है यहाँ। इसको भी मार लेंगे, इस बो से मार लेंगे, ये गायब भी हो जाएगा, वहाँ पर जाके मारा है मैंने, यहाँ पे मारा। तो यहाँ पर फिर से गोल्डन एप्पल दिख रहे हैं। तो गाइस मैंने जो है अपनी इन्वेंट्री जो है शॉर्ट कर लिया है यहाँ पर, तो आप मेरी इन्वेंट्री में देख सकते हैं मैंने सिर्फ इतना ही आइटम रखा है, बाकी सबका उधर ही फेंक डाला मैंने, जब भी ज़रूरत पड़े यहाँ पर से फिर से तोड़ लेंगे। यहाँ पर मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा सावधान होकर चलना चाहता हूँ। यहाँ पर ये क्रीपर फूटने से पहले मैंने उसको फोड़ डाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा गन पाउडर मिला है। तो यहाँ पर से भी फिर से एक जॉम्बी की आवाज़ आ रही है, इसके भी मज़े ले लेते हैं। आज से पूरे जॉम्बी और पूरे मॉब्स की शामत आ चुकी है, क्योंकि मेरे पास एडवांस लेवल के टूल्स आ चुके हैं, क्योंकि इस मोड को जो मैं खेल रहा हूँ उसका नाम है माइनक्राफ्ट, बट डर्ट इज़ एक्सट्रीमली ओपी, नॉट ओपी, एक्सट्रीमली ओपी। तो शवल में भी मेरी बहुत ख़तरनाक वाली शवल है, जैसे मैं यहाँ पर खोदना स्टार्ट करूँगा यहाँ पर तो बवाल मच जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर इसने खड्डा कर डाला है यहाँ पर इसमें,
जल्दी से इसमें डुबकी लगाते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं डे होने ही वाला है, कुछ ही देर में उजाला हो जाएगा वापस से। तो यहाँ पर आप मेरी इन्वेंटरी में देखोगे तो यहाँ पर मुझे फिर एक और टोटम ऑफ अंडाइंग मिला है, इसको भी मैंने रख लिया है। और यहाँ पर दो दो इलाइट्रा है मेरे पास, एंड में जब जाएंगे ड्रैगन को उड़ उड़ के मारेंगे हम। तो गाइज मैंने जो है यहाँ पर इन्वेंट्री शॉर्ट कर ली है मेरी, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास सभी एकदम एक्सट्रीम लेवल के आइटम्स मैंने रखा है, बाकी के फालतू सेमन को मैंने जो है यहाँ पर फेंक दिया है। ये पोर्टल को भी फेंक लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आई ऑफ एंडर मेरे पास जो है पहले से ही आ चुका है, यहाँ पर यहाँ का यहाँ ही पोर्टल बना देंगे, यहाँ से ही एक्टिवेट करके एंडर ड्रैगन का काम ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे इतने अच्छे दिन आ चुके हैं कि हम नेदराइट जो ब्लॉक होता है उसको लगा के हम यूज़ करके ऊपर चढ़ रहे हैं। नॉर्मल में हम जो है डर्ट वर्ट लगा के ऊपर चढ़ते थे, बट यहाँ पर मैं नेदराइट के ब्लॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ ऊपर चढ़ने के लिए। देख रहे हो गाइस कितनी अमीरी छा चुकी है इसमें। यहाँ पर एक हिट में यहाँ पर कितने सारे फूड को इसने ड्रॉप कर दिया है, इस क्या कहते हैं इसे कौ ने कितने सारे आइटम्स को ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पर देखिए कितने सारे आइटम्स को ड्रॉप कर दिया, बट हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है इंचेंटेड गोल्डन एप्पल्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे पास इंचेंटेड गोल्डन एप्पल्स स्टैक्स के स्टैक्स पड़े हैं मेरे पास। तो यहाँ पर फिलहाल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि मेरे पास जो है ऑलरेडी सभी आइटम्स आ चुका है जिससे मैं एंडर ड्रैगन को ख़त्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास सामान तो है नहीं, मतलब सामान तो मेरे पास सब कुछ है और कुछ भी चाहिए नहीं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक शॉट अच्छी वाली चाहिए, बट फिर भी हम ये बो का यूज़ करके एंडर ड्रैगन को वहीं पर एक ही बार में चित कर सकते हैं। बट फिर भी मैं जो है एक नेदराइट की शॉट भी ले लूँगा अच्छी वाली, जिससे मैं जो है नेदराइट की शॉट से मारूँ ताकि हमको जो एक फील आए कि हमने मारा है एंडर ड्रैगन को। तो यहाँ पर मैं जो है देख लेता हूँ डर्ट कहाँ पर है, ऊपर चढ़ जा भाई। हाँ चढ़ चुके हैं, वो भी नेदराइट का ब्लॉक लगा के। तो यहाँ पर वापस से खड्डा खोदना पड़ेगा, इसमें कहीं शॉर्ट है क्या? हाँ यहाँ पर तो कहीं पर भी शॉर्ट दिख नहीं रही है। और ये क्या, यहाँ पर मैं जैसे ही आ रहा हूँ मेरा फर्स्ट वॉकर लगा हुआ है शायद से इसके अंदर। हाँ गाइस फर्स्ट वॉकर की इंचेंटमेंट लगी हुई है इसके अंदर भी। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाकर डिक करेंगे, इधर में देखेंगे शॉर्ट है क्या। शॉर्ट दे ना गाय भाई, शॉर्ट दे देना। ये क्या टट्टी आइटम दे रहा है, देख रहे हो गाइस कितनी अमीरी छाई हुई है, टट्टी आइटम बोल रहे हैं नेदरराइट के आइटम्स को भी। तो यहाँ पर भी टट्टी आइटम ही पड़ा हुआ है। नेदरराइट शॉर्ट फाइनली मिल चुकी है, जो नेदरराइट की शॉर्ट हमको चाहिए थी वो यहाँ पर मिल चुकी है गाइस। अब तो एंडर ड्रैगन तू गया गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। तो यहाँ पर बनाया जाए एक एंड पोर्टल जिससे हम जाएंगे एंड में। तो यहाँ पर तीन रखते हैं, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन होता है हमारे एंड पोर्टल का। तो यहाँ पर तो पोर्टल के ब्लॉक्स तो लग चुके हैं, आई ऑफ एंडर लगाते हैं। क्या ही मस्त सी साउंड आ रही है गाइस, आप थोड़ा सा हेडफोन लगा के सुनिए, मस्त सा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। ये क्या, मैंने रॉकेट डाल दिया ऊपर। तो यहाँ पर एक ही बची हुई है, जैसे इसको लगाएंगे हमारा एंड पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एंड पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है गाइस, तो चलते हैं एंड पोर्टल के अंदर। ये कहाँ आ चुके हैं हम, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। अब आ चुके हैं हम अंदर में, तो यहाँ से तो जाना मुश्किल है, हमको जाना पड़ेगा नेदरराइट के ब्लॉक्स लगा के, चल के या फिर उड़ के नहीं बल्कि नेदरराइट के ब्लॉक्स लगा के जाना पड़ेगा यहाँ से। सो गाइस नेदरराइट के ब्लॉक लगाता लगाता यहाँ पर आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर इसके जल्दी से क्रिस्टल तोड़ लेते हैं, एक क्रिस्टल गया और ये दूसरा भी क्रिस्टल गया। ये तो हम नीचे आकर गिर चुके हैं, जल्दी से वापस ऊपर चल लेते हैं और एक गोल्डन इंचेंटेड गोल्डन एप्पल खा लेंगे। तो अब बारी है इसकी। अरे ये क्या होगा भाई, एक और गया यहाँ पर, ये भी एक टूट चुका है। अब दो ही क्रिस्टल बचे हैं जिसके अंदर लगा हुआ है केज।
यहाँ पर एक है और एक है यहाँ पर। जल्दी से चलते हैं, उन दोनों को भी तोड़ लेते हैं। एक गोल्डन एप्पल खा लेंगे इंचेंटेड, वरना ये लोग मेरा भूत बना देंगे। तो इधर में लाइटर निकालते हैं और पेन लेते हैं अपनी चेस्ट प्लेट को। ये क्या, ये लोग तो खुद ही मर जा रहे हैं मुझे मार के। और एक चीज़ बताऊँ मैं गाइस, सेटिस्फाइंग चीज यहाँ पर देखिए कितनी स्पीड में यहाँ पर हमारे नेदरराइट, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, भूल गया मैं, ये ड्रैगन के चक्कर में इसे बोलते हैं ऑब्सीडियन। गाइस ऑब्सीडियन देखिए कितनी स्पीड में टूट रहा है। उसका रीज़न पता है क्या है, इसके अंदर लगा हुआ है इनफिशियंसी इंचेंटिंग लेवल 255। सो गाइस ऊपर आ चुके हैं, अब बारी है इसको तोड़ने की। तो ये टूट चुका है और हमको ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे बूट्स के अंदर लगा हुआ है फेदर फॉलिंग इंचेंटिंग लेवल 255। अब बारी आ चुकी है ड्रैगन को मारने की, चलते हैं ड्रैगन के पास। एक इंचेंटिंग गोल्डन एप्पल खा लेंगे, उसके बाद चलेंगे। ड्रैगन आ जा नीचे। यहाँ पर मेरे पास बो तो नहीं है, अगर बो रहती तो यहाँ पर नीचे से ही मार डालते उसको। फिलहाल पहन लेते हैं लाइटरा, उड़ के मारेंगे जैसे कि मैंने कहा था। अरे ये तो नीचे आ चुका है, अरे कहाँ भाग रहा है ड्रैगन, बचने की मत सोच। यहाँ पर गाइस एक ही हिट में कितना ज़्यादा डैमेज पड़ चुका है इसको, ड्रैगन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर खुद ही मार ले रहा है अपने आप को। यहाँ पर जैसे मुझे हिट कर रहा है वो, उसको डैमेज पड़ रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं उसकी हेल्थ कितनी ज़्यादा जा चुकी है, यहाँ पर सिर्फ एक हिट का बचा है। और गाइस फाइनली हमारा ड्रैगन मर चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मरता हुआ, इस ड्रैगन को। यहाँ पर हमारा ड्रैगन फाइनली मर चुका है और हमारा चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है एक्सपी को कलेक्ट कर लिया और मेरी एक्सपी देख सकते हैं आप 64 एक्सपी हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ा बहुत एंडर ड्रैगन के मज़े ले लेते हैं, एंडर ड्रैगन बोल रहा हूँ, एंडर मैन के मज़े ले लेते हैं सभी के। यहाँ पर आ जाओ सभी लोग मारने के लिए, यहाँ पर ये खुद ही मर जा रहे हैं गाइस। यहाँ पर देखिए मुझे मारने आ रहे हैं बेचारे, बट खुद ही मर जा रहे हैं। तू भी आ जा भाई, और तू भी आएगा, तू भी आ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली हमारा ड्रैगन भी मर चुका है और इस मोड को हमने खेल लिया है और हमारा एंड पोर्टल भी आ चुका है। हमको वैसे भी कुछ उधर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लाइटर यहाँ पर है हमारे पास। चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप एंड क्रेडिट्स देख सकते हैं माइनक्राफ्ट के, माइनक्राफ्ट। यहाँ पर गाइस फाइनली हमने जो है इस मॉड के अंदर एंडर ड्रैगन को मार के अपना चैलेंज कंप्लीट कर चुका है मैंने। सो गाइस आपको इस ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऐसे ही और भी मॉड्स डाल के खेलेंगे हम, बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर भी। और साथ में सर्वाइवल सीरीज़ का भी एपिसोड आता रहेगा, साथ में ये भी आता रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट मोड कौन सा डालना चाहिए, और साथ में सर्वाइवल सीरीज़ के एपिसोड के लिए भी मुझे एक नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक दे दीजिएगा क्योंकि मेरे पास लिटरली कोई टॉपिक है ही नहीं सर्वाइवल सीरीज़ के वीडियो के लिए। और जो है नीचे आपको अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे जाकर लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।